आज हम बनाने जा रहे हैं स्टफ्ड मैंगो कुल्फी, जिसका स्वाद बहुत ही डिलीशियस है और ये बनाने में भी बहुत आसान है। ये आपके किचन में जो सामान है आप उसी से इसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे बनाना कैसे है। Hey guys, welcome back to my new blog। आज का ब्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं बनाने जा रहा हूँ स्टफ्ड मैंगो कुल्फी, क्योंकि गर्मियों का सीजन है और मैंगो कुल्फी के बिना गर्मियों का सीजन अधूरा है। तो इस मैंगो कुल्फी को बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, पहले हम ले लेंगे दशहरी आम, क्योंकि दशहरी आम में रेशा कम होता है। इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी दशहरी आम ही लें और दशहरी आम के अलावा और कोई आम ना लें। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि आम लेने हैं, अच्छी तरह से धो लेने हैं। मैंने आम को धो लिया है, अब हम ऊपर से इसे करेंगे इस तरह से कट। ऊपर से इसका टॉप हम कट करेंगे और धीरे से इसे उतार लेंगे। धीरे से इसलिए उतारेंगे क्योंकि इसे हमें फिर से इसके ऊपर ही प्लेस करना है। फाइनली मैंने उतार लिया है, अब हम क्या करेंगे इसे थोड़ा थोड़ा सा साइड में चाकू से छील लेंगे ताकि इसकी गुठली हम बाहर निकाल सकें और चाकू इतना जोर से भी ना मारे कि दूसरी साइड से बाहर आ जाए। आराम से मैंने चारों साइड से इसे कर दिया है अच्छी तरह से। अब हम इसे लेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, घुमाएंगे और गुठली को निकाल लेंगे इस तरह से। इसी तरह मैंने चार पांच आम जो लिए हैं उनकी गुठली निकालेंगे और गुठली निकालने के बाद आपको करना क्या है, जो भी मटेरियल इस गुठली के साथ लगा हुआ है इसको फिर से इसमें ही हम डालेंगे। उतार लें मटेरियल को अच्छी तरह और डालते जाएं इसी आम गुठली बना रहे हैं। अच्छी तरह से आप फिर से इसी तरह जो आपने चार पांच आम लिए हैं उन चार पांच आम की गुठली निकालें, जो भी मटेरियल है उसको फिर से। मैंने चारों आम जो लिए थे उन सबकी गुठलियाँ निकाल के सारा मटेरियल इसमें फिर से वापस डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इन आम पे लगाएंगे एक कैप और इनको रख देंगे एक गिलास में ताकि ये सीधा रहे। इसी तरह मैं चारों आमों को प्लेस कर दूंगा एक एक करके। अब मैंने चारों के चारों आम कर दिए हैं ग्लासेस में प्लेस। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे फ्रीज होने के लिए। अब जब तक ये थोड़ी देर के लिए फ्रीज होते हैं तब तक हम मटेरियल तैयार करते हैं जो हमें इनमें भरना है। तो चलिए अब हम इन्हें करते हैं फ्रिज में प्लेस। अब थोड़ी देर के लिए हम इसे फ्रीजर में रख रहे हैं, तब तक हम अपना मटेरियल कर लेते हैं तैयार। अब हम मटेरियल तैयार कर रहे हैं जो हमें उन आमों में भरना है। सबसे पहले हमने रख दी है एक कढ़ाई और कढ़ाई में हम डालेंगे आधा लीटर दूध। और इस दूध को धीमी आंच पर हमें थोड़ा थोड़ा पकाना है। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा उसके बाद हम ले लेंगे दो चम्मच बड़े मिल्क पाउडर के। अब दो बड़ा चम्मच मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है। मिल्क पाउडर में लम्स ना हो इसीलिए अब मैं इसे करूंगा मिक्सी में ग्राइंड। सबसे पहले मैं इसे डाल दूंगा मिक्सी में और जब ये थोड़ा सा दूध गर्म होगा इसको भी इसके साथ डालूंगा। आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बता रहा हूँ। अब ये हम मैं डाल रहा हूँ मिल्क पाउडर इसमें। इसमें डाल लेंगे हम थोड़ा सा दूध जो कि स्लाइटली वार्म हो चुका है। अभी अच्छी तरह से हो चुका है मिक्स। अब मैं इसे पहले डालूंगा इसमें ताकि इसमें मैं ऐड कर लूँ थोड़ी सी मलाई जिससे कि इसका टेस्ट हो जाएगा दोगुना। ये वही दूध की मलाई है जो हम दूध नॉर्मली घर पे यूज करते हैं और ज़्यादा गर्म दूध में से ना डालें ताकि ये कहीं घी ना बन जाए। इसलिए थोड़ा सा वार्म होना चाहिए दूध और अच्छी तरह से इसे कर दें मिक्स। और फाइनली अब हम इसे डाल देंगे अपने दूध में और अच्छी तरह से इसे करेंगे मिक्स। आपको गैस फुल नहीं रखना, पहले धीमी आंच पर पकाना है ताकि इसमें हमने जो मलाई डाली है वो कहीं घी में कन्वर्ट ना हो जाए और धीरे धीरे इसे हिलाते रहें। और जब ये पूरी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगा फिर आप गैस की फ्लेम हाई कर दें
और इसे अब इसे 15 मिनट तक यूं ही धीमी आंच पर पकाएं, क्योंकि हमें दूध को काटना है। और इस जो आपको जितना दूध रखा है इसकी आधी क्वांटिटी जब बचेगी तब हम इसे उसमें फिल करेंगे आम जो हमने रखे हुए हैं। हाँ, अगर आप शुगर फिल बनाना चाहते हैं तो आप इसमें शुगर ना डालें, लेकिन हम थोड़ी सी चीनी यूज कर रहे हैं 1 चम्मच, ताकि इसमें थोड़ी सी मिठास आ जाए। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहें, और जब इसकी आधी क्वांटिटी बचेगी तब हम इसे गैस से उतार लेंगे और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे, और फिर उसके बाद हम इसका जो मटेरियल बनेगा वो हम अपने आम में डालेंगे। तो फाइनली अब हमारा मटेरियल बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, और जब ये ठंडा होगा फिर हम इसे कर देंगे अपने मैंगोस में फिल। हमारा मटेरियल बनकर तैयार है, इसे हम गार्निश कर लेंगे। पहले मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया हुआ है काजू को, पिस्ता को, बादाम को, और ये है इलायची। अब मैं इसमें कर दूंगा इसे अच्छी तरह से मिक्स। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर करेंगे हम इसे अपने मैंगोस में फिल। तो अब हमने कर लिया है इसे अच्छी तरह से मिक्स, अब हम इसे फिल करेंगे अपने काटे हुए मैंगोस में। तो अब हम इसे कर रहे हैं इसमें फिल। अब इसे हम अच्छी तरह से कर लेंगे फिल ऊपर तक। ये देख सकते हैं आप कि मैंने इसे अच्छी तरह से अब फिल कर लिया है। अब मैंने अच्छी तरह से इसे कर दिया है फिल। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे इसकी कैप। इसी तरह हम सारे मैंगोस को कर लेंगे फिल, और फिर करेंगे हम इसे फ्रिज में प्लेस। 6 से 7 घंटे तक हमें इसे फ्रिज में रखना है, ताकि ये अच्छी तरह से फ्रीज हो जाए और खाने लायक बन जाए। इसे भरते हुए सच्ची में जो सुगंध मुझे आ रही है, मेरा तो मन कर रहा है मैं इसे अभी खा लूं। और हाँ, आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करना, क्योंकि आपके बच्चे भी अभी इस समय आपको तंग कर रहे होंगे कि मम्मा मैंगो कुल्फी खानी है, पापा मैंगो कुल्फी खानी है। तो इसीलिए आप भी उन्हें घर पे हेल्दी कुल्फी बना के खिलाएं, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपकी कुल्फी कैसी बनी। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिव करता है। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप तक मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए अब धीरे धीरे इसे करते हैं साथ साथ में फिल। तो फाइनली मटेरियल फिल करने के बाद अब हम इसे फ्रीज करने के लिए फ्रिज में रख रहे हैं। कम से कम 6 घंटे आप इसे फ्रिज में रखिए, ताकि ये अच्छी तरह से फ्रीज होके बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो जाए। तो मिलते हैं आपको 6 घंटे के। अब मैंने इसे ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था, अब ये अच्छी तरह फ्रीज हो चुकी है और खाने लायक बन चुकी है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे बाहर। तो फाइनली गाइस, अब ये पूरी तरह से फ्रीज हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका छिलका जो है वो पील ऑफ कर लेंगे, यानी कि छिलका उतार लेंगे। तो अभी हमने छिलका पूरी तरह से उतार लिया है ऊपर से, अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। अब आप इसे छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर लेंगे जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। देखने में तो मुझे डिलीशियस लग रहा है, अब खाने में देखता हूँ कि कैसा बना है। गाइस, हमारी स्टफ मैंगो कुल्फी बनकर बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपने बच्चों को बना के खिलाएं, खुद भी खाएं, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं कि आपको इस कुल्फी का टेस्ट कैसा लगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।